दिल्ली में देर रात मौसम बदल गया है, प्रदूषण से बेहाल दिल्ली एनसीआर वालों को राहत मिली है और उन पर मौसम मेहरबान हुआ है। बादल बरसने लगे, कुछ इलाकों में चमाचम बारिश हुई है तो कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हुई है। बारिश का सिलसिला आज दिन भर जारी रह सकता है। दीपावली से पहले हुई इस बारिश ने दिल्ली और आसपास के शहरों में प्रदूषण से कुछ राहत दी है और मौसम विभाग दिल्ली एनसीआर में पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से हल्की बारिश की भविष्यवाणी पहले कर चुका था और गुरुवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के ऊपर दर्ज किया गया। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब उम्मीद देखी जा रही है कि हवा में घुले प्रदूषण के कारण बारिश की वजह से अब नीचे बैठेंगे और AQI मीटर अब नीचे गिरेगा। समय मैं नोएडा में आ चुकी हूँ। राजधानी दिल्ली से लेकर नोएडा तक अगर आप आएंगे तो आपको बता दें कि बीते काफी देर से बारिश हो रही थी, हालांकि बहुत तेज ये बारिश नहीं है, लेकिन मेरे पीछे जो स्थिति बनी हुई है चारों तरफ आप देख रहे हैं किस तरह से प्रदूषण की मार ने इस पूरे हिस्से को अपनी चपेट में लेकर रखा हुआ है। तो कम से कम उम्मीद हम कर सकते हैं कि ये जो बारिश है ये थोड़ी और तेज हो और उसके बाद प्रदूषण से लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि दिवाली में अब चंद घंटे बाकी हैं। ऐसे में सबके जहन में था पटाखों को लेकर कई तरह के सवाल पूछे जा रहे थे और भी तमाम तरह की आशंकाएं थी, प्रदूषण कितना बढ़ेगा, इससे राहत मिलेगी नहीं मिलेगी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लोग मास्क लगाकर अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। लेकिन कम से कम ये जो बूंदाबांदी है, मैं चाहूंगी कि अगर आप दिखा पाए सड़कों की तस्वीर आप दिखाइए संजय, ये जो बूंदाबांदी है इसके जरिए अगर ये बारिश थोड़ी सी और तेज होती है तो उम्मीद यही कि लोगों को राहत मिलेगी और इस प्रदूषण से लोगों को मुक्ति मिलेगी, क्योंकि आगे आने वाला वक्त और ज्यादा मुश्किलें पैदा करता, लेकिन इस बारिश ने कम से कम दिल्ली और एनसीआर वालों को थोड़ी राहत इस प्रदूषण से जरूर दे दी है। कैमरामैन संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, नोएडा आज का। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में मौसम बदल गया है और मौसम ऐसा बदला है कि लोगों ने राहत की सांस ली है। वो सांस जो अब तक जहरीली सांस लोग ले रहे थे, क्योंकि AQI तो 400 के ऊपर था और इस बारिश के बाद से AQI मीटर अब डाउन हुआ है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद सब जगहों पर बारिश हुई है, जहां कृत्रिम बारिश की तैयारियां चल रही थी। सोचा जा रहा था कि कब कृत्रिम बारिश हो, वो आर्टिफिशियल रेन करवाया जाए कि दिल्ली वालों को राहत मिले, लेकिन उससे पहले मौसम ने ये मेहरबानी दिखाते हुए झमाझम बारिश कर दी और दिल्ली एनसीआर में मौसम बदल गया है अब और काफ़ी खुशनुमा मौसम हो गया है। अब इस बारिश के बाद दिल्ली में सर्दी भी धीरे धीरे अब और बढ़ेगी और पॉल्यूशन थोड़ा सा कम हुआ है और अब सरकारें हो सकता है कि विचार करें आगे जो अब कुछ कदम उठाए गए हैं, जैसे ग्रैब कोड लागू है और दूसरे जो एहतियात हैं। इस बारिश के बाद से पॉल्यूशन काफ़ी हद तक कम होने का अनुमान है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, अभी भी क्या बारिश हो रही है और कैसा है मौसम? AQI मीटर अब क्या कह रहा है इस बारिश के बाद? देखिए, सबसे पहले तो मैं मौसम की अगर बात करूं तो ठंडी हवाएं चल रही है, आसमान में अभी भी आप देखिए बादल चारों तरफ छाए हुए हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी कुछ इलाकों में हो रही है, लेकिन जिस तरीके से एक घंटे के आसपास बारिश हुई है उसका सीधा असर जो दिल्ली का मौसम था, जो पॉल्यूशन था उस पर पड़ा है, जो टेम्परेचर है वो भी कम हुआ है और साथ साथ जो AQI है जो 450 के आसपास था कल सुबह राजीव, वो घट करके खासतौर से देखिए कल हम पश्चिमी दिल्ली की बात कर रहे थे, पश्चिमी दिल्ली में कल जो AQI था वो सबसे ज्यादा था, 450 के क्रॉस था और अभी जो जानकारी आ रही है कि पश्चिमी दिल्ली जो पंजाबी बाग का इलाका है वहां पर AQI 100 के आसपास पहुंच गया है। ये अपने आप में बेहद राहत वाली बात है, क्योंकि जो बारिश है ये अपने साथ राहत लेके आई है। आप देखिए, आपको दूर तक मौसम साफ नजर आएगा। कल जिस तरीके से हम दिखा रहे थे कि दिल्ली में चारों तरफ सिर्फ धुआं है, धूल है, उससे राहत मिल गई है, क्योंकि अच्छी खासी बारिश हुई है और इसका सीधा असर हुआ है। कुछ इलाकों में 150 के आसपास AQI है, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो 200 के नीचे ही AQI पूरी दिल्ली और NCR के इलाके में है, हो गया है, खासतौर से इस बारिश के बाद। और दूसरी चीज, इस तरीके से जो मौसम विभाग ने अनुमान जताया था बूंदाबांदी का, वो आज के दिन यानी शुक्रवार के दिन तो रहेगा ही, लेकिन इसके बाद दो चीजें और मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक तो हल्की हवा, तकरीबन 5 से 12 किलोमीटर की रफ्तार की हवा राजीव अगले 2 दिन तक चलेगी, यानी कि पॉल्यूशन से लोगों को राहत अभी मिलता रहेगा। और एक दूसरा इम्पैक्ट यह है, क्योंकि सरकार ने
जो स्टेट फोर गैस फोर लागू कर दिया है उसकी वजह से कई तरीके के प्रतिबंध है, जिसमें गैर जरूरी निर्माण बंद है, डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों पर जो पेट्रोल के BS3 इंजन है उन गाड़ियों पर प्रतिबंध है। तो जाहिर तौर पर जो दिल्ली की गाड़ियों का पॉल्यूशन है वो करीब करीब आधा हो गया है, और दूसरी तरफ इसकी वजह से जो राहत मिली है मौसम से, तो अभी कुछ दिन राहत भरे राजधानी दिल्ली में हो सकता है। और ऐसे में दिवाली है, आज धनतेरस का दिन है, परसों दीपावली है, भले ही पटाखों के बैन हो लेकिन हमने देखा है कि काफी हद तक कुछ जगहों पर पटाखे छूटते हैं, उसका कितना इम्पैक्ट होगा उसका इंतजार होगा। लेकिन इस बारिश ने दिल्ली और NCR के लोगों के लिए काफी बिल्कुल ये बारिश राहत लेकर आई है, और ये QI भी आप बता रहे हैं कि अब संतोषजनक स्थिति में पहुंच गया है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।